वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वैभव एडवांस लर्निंग। आपके मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। मैं कल के वीडियो में बताया था कंडक्टर क्या होता है, इसकी जो भी कंपटीशन से रिलेटेड जो भी बातें थी हमने डिटेल स्टडी किया था। आज के हम इस वीडियो में हम इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर दोनों की स्टडी करने वाले हैं और यह वीडियो मेरा थोड़ा लॉन्ग होगा। आप पूरा वीडियो देखिएगा, आपको बहुत अच्छे तरीके से हर चीज़ें समझ में आएंगी, हर चीज़ें क्लियर होंगी। तो कंडक्टर के बाद हम विचार करेंगे अब इंसुलेटर पे। इंसुलेटर हम इस पर बहुत गंभीरता से विचार करने वाले हैं। इंसुलेटर और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हम दोनों का यहाँ स्टडी करेंगे। पहले आप इंसुलेटर देखिए। इंसुलेटर के एग्जांपल में आप सभी लोग जानते हैं, जैसे आपका लकड़ी होता है वुड जिसको हम कहते हैं, कांच होता है जिसको हम ग्लास कहते हैं, और आपका रबड़ होता है। इस डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल इन विच जिसमें जो है इलेक्ट्रॉन फ्लो ना हो पावे उसको हम क्या कहते हैं, जिसमें कंडक्टिविटी ना हो पावे उसको हम क्या कहते हैं, इंसुलेटिंग मटेरियल कहते हैं। जैसे आपका लकड़ी हो गया, कांच हो गया, रबड़ हो गया, इसमें होता क्या है कि इसमें जो आपको फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन वो नेग्लिजिबल होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, नेग्लिजिबल, जिसको हम कहते हैं नगण्य, मतलब होते ही नहीं हैं। आप यह समझ लीजिए, इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इसमें एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। अब हम तो यहाँ चूँकि होता क्या है कि जब हम इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इसमें होता क्या है, इसमें होता है आयनिक बॉन्ड। कंडक्टर में कौन से बॉन्ड होते हैं, मेटलिक बॉन्ड। सेमीकंडक्टर में कौन से बॉन्ड होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड, इसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें होता है आयनिक बॉन्ड। तो जब हम टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो ये बॉन्ड जो है टूटते हैं। जब बॉन्ड टूटते हैं तो इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, फ्री होते हैं, फ्री टू रोटेट, फ्री टू कंडक्ट। जब इलेक्ट्रॉन का कंडक्शन शुरू हो जाता है इसमें तो होता क्या है, जब कंडक्ट करने लग जाएंगे तो जाहिर सी बात है रेसिस्टेंस कम होने लगेगा। तो हम देखते हैं क्या है, जब इसमें हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इसका रेसिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। और टेम्परेचर कोफिशियंट जो अल्फ़ा होता है उसका फार्मूला हम बताए थे कल, R2 - R1 R1 × Δt। तो अब ये सोचिए कि मान लीजिए कि स्टार्टिंग में अगर इसका रेसिस्टेंस है, अगर मान लीजिए आपका 200 ओम है R1, तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दिया जिसका रेसिस्टेंस घट गया, तो मान लीजिए वो 150 ओम हो गया घटने के बाद, तो आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -50 ओम आएगा। तो इसका मतलब ये जो आपका टेम्परेचर कोफिशियंट है वो क्या बन गया, नेगेटिव बन गया। इसीलिए इंसुलेटिंग मटेरियल का जो टेम्परेचर कोफिशियंट होता है, TCR, प्रतिरोध ताप गुणांक इसको हिंदी में कहते हैं, वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसमें बॉन्ड कौन सा होते हैं, इसमें बॉन्ड होते हैं आयनिक बॉन्ड। कौन से बॉन्ड होते हैं, आयनिक बॉन्ड होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंडक्टर में मेटेलिक बॉन्ड और सेमीकंडक्टर में कोवेलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ जाना कि टेम्परेचर कोफिशियंट इसका नेगेटिव होता है। नेगेटिव क्यों होता है, क्योंकि हम जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेसिस्टेंस घटते हैं। रेसिस्टेंस क्यों घटते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कंडक्टिविटी बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट बढ़ता है, इसीलिए जो है आपका रेसिस्टेंस कम होता है। रेसिस्टेंस कम होने से इसका टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेसिस्टेंस क्या होता है, नेगेटिव होता है। अगर हम यहाँ पे इसकी रेसिस्टिविटी की बात करें तो इसका जो रेसिस्टिविटी होती है, रेसिस्टिविटी इसको हिंदी में प्रतिरोधकता कहते हैं, तो इसकी हम प्रतिरोधकता देखेंगे तो वो होता है 10^12 ओम मीटर के अबाउट में होता है। ये भी जो है पूछ देता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इसलिए इसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। इसकी जो रेसिस्टिविटी होती है 10^12 ओम मीटर के रिस्पेक्ट में होती है। अब देखिए, इसमें अगर आउटर सेल इलेक्ट्रॉन की बात करें, इसके आउटर सेल में बाहरी सेल में 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 से ज़्यादा, more than 4। इसमें जो है 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। दिस पॉइंट इज टू बी नोटेड। अगर हम एनर्जी बैंड के अकॉर्डिंग देखें इनका थोड़े सा, तो एनर्जी बैंड के अकॉर्डिंग जब हम देखेंगे तो इसमें ऊपर होता है कंडक्शन बॉन्ड, नीचे होता है बैलेंस बॉन्ड, और इनके बीच में बहुत ज़्यादा गैप होता है जिसको फॉरवर्डन एनर्जी गैप बोलते हैं। ये अबाउट 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अबाउट में होता है।
ये ज़्यादा एनर्जी गैप होने से इलेक्ट्रॉन इजीली कंडक्शन बॉन्ड में नहीं जा पाते हैं, इसलिए कंडक्शन नहीं होता है। लेकिन अगर हम इतनी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करा दें तो यह आसानी से इसको छोड़कर इसमें क्या कर जाएंगे, मूव कर जाएंगे और कंडक्शन होने लगेगा। जैसे एयर एग्जांपल में हम आपको देते हैं, एयर एयर में आप देखते होंगे आर्क जनरेट होता है। क्यों आर्क जनरेट होता है? अरे इससे भी अच्छा इफेक्ट है आपका कोरोना इफेक्ट है। जैसे आप देखते हैं जब हम कंडक्टर के आसपास के एयर का जब वोल्टेज, एक सेंटीमीटर का वोल्टेज जब 30 किलो वोल्ट होता है, तो वहाँ होता क्या है, हाई वोल्टेज होने के कारण जो एयर होता है वो आयोनाइज हो जाता है, जिसके कारण एयर में ही करंट फ्लो हो जाता है। इसी घटना को तो हम कोरोना इफेक्ट कहते हैं। तो वहाँ आप क्या देखें कि इस इंसुलेटर भी कंडक्टर बन जाता है जब है इस एनर्जी गैप को, इलेक्ट्रॉन जो को जो है मूव कर जाएँ, इस एनर्जी गैप को जंप कर जाएँ तो आसानी से जो है मूव कर जाते हैं। इसमें देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन इसका जो कंडक्शन बॉन्ड होता है वो इम्पटी होता है और बैलेंस बॉन्ड फुल होता है, फुल्ली फिल्ड होता है। ठीक है, ये भी पॉइंट जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसका जो कंडक्शन बॉन्ड जो बैंड होता है वो क्या होता है, इम्पटी होता है, मतलब खाली होता है। ये क्या होता है, खाली होता है, और ये जो होता है फुल्ली फिल्ड होता है, फुल्ली फिल्ड होता है, इसको हम कह सकते हैं पूर्ण रूप से भरा हुआ होता है। तो ये भी पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको इसको आप भी अच्छे तरीके से देखिएगा। तो मैंने जितना भी बताया इंसुलेटर से रिलेटेड, ये सारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको या तो नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं थोड़े समय के लिए हट जाता हूँ। हाँ, मैं ऐसा करता हूँ, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो इस प्रकार से इसी चीज़ें मैंने बताया। अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि डाइइलेक्ट्रिक क्या होता है और डाइइलेक्ट्रिक इंसुलेटर से किस प्रकार से डिफरेंट है, किस प्रकार से इसमें अंतर आता है, आखिर हम डाइइलेक्ट्रिक को इंसुलेटर कह सकते हैं नहीं कह सकते, क्या आखिर इसमें मतलब है, किसकी क्यों इसको अलग किया गया है, इसको हम थोड़ा सा विचार करेंगे। देखिए, जितने भी डाइलेक्ट्रिक हैं वो सब इंसुलेटर हैं, जितने भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हैं आप सब को इंसुलेटर कह सकते हैं, लेकिन सब इंसुलेटर को डाइलेक्ट्रिक नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि जितने भी कमांडो हैं सबको आप सैनिक कह सकते हैं, हर कमांडो को आप सैनिक कह सकते हैं, लेकिन सब सैनिक को कमांडो नहीं कह सकते। मतलब आप सीधा समझ गए होंगे कि इंसुलेटर में से ही कुछ विशेष इंसुलेटर को निकाल करके उसको डाइलेक्ट्रिक में डाल दिया गया है। क्यों? क्योंकि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की एक अन्य प्रॉपर्टी होती है कि यह एनर्जी स्टोर करता है। प्रॉपर्टी क्या होती है इसमें, यह एनर्जी जो है क्या करता है, स्टोर करता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन को कंडक्ट करता है। ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन को क्या करता है, को कंडक्ट करता है। अभी हम बताते हैं क्या होता है ये, इसमें एनर्जी स्टोर होता है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन को कंडक्ट करता है। इसमें एक और घटना होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन बोलते हैं। इसमें ध्रुवीकरण की एक घटना होती है, ध्रुवीकरण की। जबकि इंसुलेटर में इन तीनों में से कोई भी घटनाएं घटित नहीं होती है, ना तो इंसुलेटर एनर्जी स्टोर करता है, ना ही वो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन को कंडक्ट करता है, और ना ही इंसुलेटर में ये पोलराइजेशन जैसी घटना होती है। क्या? तो हम आप देख सकते हैं, जैसे आपका आपका कांच हो गया, मोम हो गया, तेल हो गया, ये सारे मटेरियल, रबड़ हो गया, ये सारे मटेरियल, मोम हो गया, कांच हो गया, तेल हो गया, ये सारे मटेरियल आपके क्या है, डाइलेक्ट्रिक है। क्योंकि इनमें जो है क्या, इन तीनों प्रॉपर्टी को पाया जाता है। लेकिन अगर कागज़, अगर आप प्लास्टिक की बात करें तो प्लास्टिक में ये प्रॉपर्टी नहीं होती है। तो प्लास्टिक आपका केवल इंसुलेटर है, और कांच कांच आपका ग्लास हो गया, तेल हो गया, मोम हो गया, ये सब इंसुलेटर भी हैं और डाइलेक्ट्रिक भी हैं, क्योंकि इनमें ये सारी प्रॉपर्टी होती हैं। इसको हम कैपेसिटर में थोड़ा थोड़ा हम बता देते हैं, हम डिटेल स्टडी तब करेंगे जब इसका हम कैपेसिटर हम पढ़ेंगे। तो कैपेसिटर में क्या होती है, दो प्लेटें होती हैं, एक पॉजिटिव होती हैं और एक निगेटिव होती हैं। तो पॉजिटिव निगेटिव जब दो प्लेटों को आप एक दूसरे के आमने सामने रखेंगे तो इनके बीच एक फील्ड जनरेट होता है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कहते हैं इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं हिंदी में, जब ये चार्ज इकट्ठा होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के इकट्ठा होने से, फिक्स होने से ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। इसका एग्जाम्पल आपका कैपेसिटर ही है।
क्यों? देखिए इलेक्ट्रॉन इसमें क्या है, स्थिर हैं, स्टैटिक हैं, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। और जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, गति अवस्था में होते हैं, डायनेमिक कंडीशन में होते हैं, तो ये हमेशा मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करते हैं। सीधा सीधा एग्जाम्पल इसका इलेक्ट्रोमैग्नेट है। इलेक्ट्रोमैग्नेट में हम जब तार लपेट करके जब इसको हम सप्लाई देते हैं तो प्लस माइनस इसमें करंट फ्लो होने लगता है। करंट फ्लो होने से इसमें दो आपके पोलैरिटी जनरेट हो जाते हैं, यानी और जिससे ये आपका एक मैग्नेट बन जाता है। आप घर में बना सकते हैं, एक छोटा सा कील लीजिए, उस कील में आप कॉपर का वायर लपेटिए, लपेटने के बाद उसको एक सेल से कनेक्ट कर दीजिए, वो कील जब तक उसमें जाएगा करंट तब तक वो मैग्नेट बन जाएगा। क्यों ऐसा होता है, इसको हम मैग्नेट जब पढ़ेंगे तो इसका हम स्टडी करेंगे। यहाँ पर आप देखिए कि इलेक्ट्रॉन के मूव होने से यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, और इलेक्ट्रॉन के स्टैटिक होने से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम चुंबकीय बल रेखाएं खींची जाती हैं, जो एन से एस की ओर जाती हैं, कहीं एक दूसरे को काटती नहीं है, क्योंकि वहाँ काटेंगे वहाँ टेंजेंट बनेगा, जिससे इसकी दो दिशाएं होंगी, जो संभव नहीं है। इसीलिए ये आपका क्या कहलाता है, मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइन कहलाता है। जहाँ तक ये जाता है वहीं तक इसका मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट होता है। उसी प्रकार ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन पॉजिटिव प्लस से माइनस की ओर फ्लो होता है, ये भी कहीं एक दूसरे को काटने का कट करने का काम नहीं करता, क्योंकि ये आपका क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज है। कट कर देगा तो वहाँ इसकी डबल डायरेक्शन होंगी, जो इस डिफिनेशन को फॉलो नहीं करेगा। तो इसी बीच में ही हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को भरने का काम करते हैं, इसी बीच में हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरते हैं। और इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है कि इस इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, अपने अंदर कंडेंस करता है। इस कंडेंस करने की ही प्रॉपर्टी को हम कैपेसिटर का एक दूसरा नाम कंडेंसर भी रखते हैं, क्योंकि ये जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हैं ये इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन को क्या करते हैं, अपने अंदर कंडेंस करने का कारण करते हैं, अपने अंदर सोखने का काम करते हैं। और इसी के अंदर इन प्लेटों के कारण क्या होता है, इस मटेरियल में जो नेगेटिव चार्ज होता है पॉजिटिव प्लेट की ओर, और जो पॉजिटिव चार्ज होता है नेगेटिव प्लेट की ओर क्या हो जाती हैं, अट्रैक्ट हो जाती हैं। नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव प्लेट की ओर, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव प्लेट की ओर अट्रैक्ट हो जाती है। इसी घटना को हम पोलराइजेशन कहते हैं, जो केवल और केवल किस में संभव है, एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में ही संभव है, अन्यथा अदर किसी मटेरियल में संभव नहीं है। तो ये पोलराइजेशन की घटना होने से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड विपरीत पैदा होती है। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होता है, E1 और E2। अगर रिजल्टेंट आप निकालें तो E1 डिफरेंस E2 निकलता है। इस प्रकार आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाता है। देखिए कैपेसिटर में जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आप भरते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है कम हो जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होने से V बराबर E × D, आप यहाँ जानते हैं V बराबर E × D, तो यहाँ V प्रोपोर्शनल टू E। जब आपका E कम हो जाएगा तो V कम हो जाएगा, और जब भी कम होगा तो आप जानते हैं कि C बराबर क्या होता है, Q/V। जब भी कम होगा तो C क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसीलिए हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को भरते हैं ताकि कैपेसिटेंस क्या हो जाए, बढ़ जाए। तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरने से इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता है। दिस पॉइंट इज टू बी नोटेड, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड कम होने से वोल्टेज भी कम होता है और कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से वोल्टेज भी कम होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम होता है और कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये है आपका इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम कैपेसिटर जब पढ़ाएंगे तो इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। ऐसा क्या होता है, देखिए इन ये जो मटेरियल हैं इनको इस इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन को कंडक्ट करने की जो प्रॉपर्टी है, इसी प्रॉपर्टी को ही हम परमिटिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परमिटिविटी। इसका यूनिट होता है फैराड मीटर। हम आगे हम बताएंगे परमिटिविटी को एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है, ये सारी चीज़ें कैपेसिटर से रिलेटेड हैं। कैपेसिटर में जब एसी सप्लाई देते हैं तो क्या होता है, कैपेसिटर में जब डीसी सप्लाई देते हैं तो क्या होता है, इसकी रेटिंग kVAr में होती है, क्यों होती है, ये क्या फंक्शन करता है, ये सब कैपेसिटर में बहुत अच्छे से बहुत डिटेल तरीके से स्टडी करने वाले हैं। यहाँ बस हम यही जानें कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या है, उसका इंसुलेटिंग मटेरियल से किस प्रकार से भिन्नता है। तो मैं आशा करता हूँ आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे।
तो अब हम आगे चलते हैं सेमीकंडक्टर पे, आखिर देखें सेमीकंडक्टर क्या है। तो हम इसको मिटाते हैं, आप इस पॉइंट को जरूर नोट कर लीजिएगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हिच इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू योर कंपटीशन एग्जाम। व्हाट हैपन इफ़ यू इंड्यूस्ड डायलेक्ट्रिक मटेरियल इन बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, देन वोल्टेज रिड्यूस, इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिड्यूस, कैपेसिटेंस इज इंक्रीज्ड। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अपॉन सेमीकंडक्टर मटेरियल। अब यहाँ पे हम सेमीकंडक्टर मटेरियल का स्टडी करेंगे। सेमीकंडक्टर मटेरियल क्या होता है, क्या इसमें इंसुलेटर से क्या डिफरेंस है, क्या नहीं है, अब हम यहाँ अध्ययन करेंगे। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है क्या सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर देखिए, ये सेमीकंडक्टर को हमने लास्ट में क्यों बनाया, क्योंकि सेमीकंडक्टर सबसे लास्ट में इसका डिस्कवर हुआ था, इसलिए मैं इसको लास्ट में पढ़ा रहा हूँ। ये सेमीकंडक्टर इतना ख़तरनाक क्लासिफाइड मटेरियल है, ये पूरे एक नए इंजीनियरिंग ब्रांच को ही जन्म दे डाला जिसका नाम इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो सेमीकंडक्टर में होता क्या है, जो भी मैटर इन बिटवीन इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच एग्जिस्ट करते हैं, लाइज करते हैं, उस मैटर को, उस पदार्थ को, उसको हम सेमीकंडक्टर का नाम देते हैं। मतलब जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या कंडक्टर से कम, विलो या लेस देन कंडक्टर, और मोर देन इंसुलेटर, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या कंडक्टर से कम होती है और इंसुलेटर से ज़्यादा होती है, बिल्कुल कॉमन पॉइंट है, सभी लोग जानते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर बोलते हैं। अगर इसके हम एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल में आपका सिलिकॉन आता है, जर्मेनियम आता है। तो यहाँ देखिए जर्मेनियम और सिलिकॉन, इसमें हम ज़्यादा यूज सिलिकॉन का करते हैं, क्यों, जबकि जर्मेनियम की मोबिलिटी ज़्यादा होती है, फिर भी हम सिलिकॉन का यूज़ ज़्यादा करते हैं, क्योंकि लीकेज करंट इसमें ज़्यादा है, इसके टेम्परेचर सहन करने की क्षमता कम होती है, इसमें क्या लीकेज करंट ज़्यादा फ्लो होता है, इसकी मोबिलिटी भले ही ज़्यादा है लेकिन इसकी टेम्परेचर कैपेबिलिटी भी इससे कम होती है, और इसमें टेम्परेचर कैपेबिलिटी भी कम होती है, इसमें लीकेज करंट भी ज़्यादा है, इसीलिए हम इसका प्रयोग बहुत कम करते हैं, सिलिकॉन का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। इसमें मोबिलिटी तो इसके कंपेरिजन में कम है, मोबिलिटी इसके कंपेरिजन में इसका कम है, लेकिन इसका टेम्परेचर सहन करने की क्षमता ज़्यादा है और उसमें लीकेज करंट भी बहुत कम फ्लो होता है, इसलिए सिलिकॉन का यूज हम ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं। देखिए अगर इसकी हम रेसिस्टिविटी की अगर हम बात करें तो इसकी रेसिस्टिविटी 10^-4 से 10^4 ओम मीटर होती है इसकी रेसिस्टिविटी। इसमें जो बॉन्ड होता है वो बॉन्ड क्या होता है, इसमें जो बॉन्ड होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ये भी पॉइंट कभी कभी पूछ देता है, इसमें कौन सा बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। इसके आउटर सेल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, आउटर सेल बाहरी सेल में, इसमें आउटर सेल में 4 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके आउटर सेल में क्या होते हैं, 4 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप ध्यान रखिएगा। कंडक्टर में इससे कम होते हैं और इंसुलेटर में इससे ज़्यादा होते हैं, और सेमीकंडक्टर में इतने ही 4 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये हो गया आपका, अगर हम इसका टेम्परेचर कोफिशियंट देखें तो इसका भी टेम्परेचर कोफिशियंट निगेटिव ही होता है, ये सेम वही प्रॉपर्टी, अल्फा बराबर क्या होता है, R2-R1/R1 × ΔT। तो जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो होता क्या है, इसका रेसिस्टेंस डिक्रीज होता है, जो R2 है वो R1 से कम होने लगता है, क्यों, क्योंकि जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कोवेलेंट बॉन्ड टूटेंगे, जिससे इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, इलेक्ट्रॉन जब फ्री होंगे तो होगा क्या, उसकी कंडक्टिविटी बढ़ेगी, कंडक्टिविटी बढ़ने से होता क्या है, कंडक्टिविटी बढ़ने से क्या होगा, रेसिस्टेंस इसका क्या होगा, कम से कम होगा, रेसिस्टेंस क्या होगा इसका, कम होगा। रेसिस्टेंस कम होने से अगर हम यहाँ देखेंगे तो जो भी रिजल्ट हमारा आएगा वो कैसा होगा, रिजल्ट वो रिजल्ट नेगेटिव होगा, समझ में आ रहा है, इसलिए इसका टेम्परेचर कोफिशियंट भी क्या होता है, नेगेटिव ही होता है।
कार्बन का भी टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव ही होता है, इसलिए उसको भी सेमीकंडक्टर की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, यूज नहीं किया जाता, हम बाद में इसको बताएंगे क्यों नहीं यूज किया जाता है। तो यहाँ हम सेमीकंडक्टर के बारे में जाना, सेमीकंडक्टर कौन कौन से मटेरियल हैं, इसमें बॉन्ड क्या है, इसकी हाँ इसका हम एनर्जी बैंड के आधार पर अगर हम देखेंगे तो इसमें फॉरवर्ड एनर्जी गैप तो होती है, लेकिन वो बहुत कम होती है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होती है। ऊपर इसके कौन सा बैंड होता है, कंडक्शन बैंड होता है, नीचे आपका बैलेंस बैंड होता है। तो इलेक्ट्रॉन मूव करके कंडक्शन बैंड में जाता है, तो आप देखिए जब यह इलेक्ट्रॉन मूव करेगा यहाँ से यहाँ जाएगा तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ चला गया, यहां चला गया, यहां जब इलेक्ट्रॉन उठ के जंप करके जाएगा तो यहां एक फ्री स्पेस जो है बनेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, होल्स कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सेमीकंडक्टर मटेरियल में बैलेंस बॉन्ड होल्स को कवर करता है, टेकअप करता है, कंडक्शन बैंड किसको, इलेक्ट्रॉन को टेकअप करते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि सेमीकंडक्टर मटेरियल जब हम सर्किट में लगाते हैं तो उसके जो भी वायर होते हैं उस वायर में हमेशा इलेक्ट्रॉन ही फ्लो होते हैं, सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर होल्स फ्लो होते हैं। तो इस प्रकार आप क्या देखें कि सेमीकंडक्टर में दो प्रकार के चार्ज कैरियर होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक क्या होता है, होल्स होता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार हाँ इलेक्ट्रॉन की जो मोबिलिटी होती है, इलेक्ट्रॉन की जो चालकता होती है वो होल्स के कंपैरिजन में दो गुना ज़्यादा होती है। ठीक है, हम इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में हम इसका डिटेल स्टडी करेंगे, मोबिलिटी क्या होती है, इसके मेजरमेंट, इसका मात्रक क्या होता है, हर चीज़ का हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। जब इसके बाद बेसिक इलेक्ट्रिकल के बाद बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स ही चलेगा, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद मशीन और मेजरमेंट, जैसे सारी क्लासेस चलाई जाएंगी। तो इस प्रकार हमारा अगर ये हमारा लेक्चर, हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लोगों के पास शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।